अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सीहान। आज जो हम बात करेंगे वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी के हिसाब से जो 12 सुर हैं, ये जो 12 स्वराज हैं, ये जो 12 नोट्स हैं, इनको वेस्टर्न में इनके क्या नाम हैं। तो प्रैक्टिकली जाने से पहले जो मैं आपको तो वेस्टर्न जो नोट्स हैं, वेस्टर्न 12 सुर हैं, उनमें जो प्रैक्टिकली जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जैसे मैंने बोला कि जो दो टू ब्लैक कीज़ हैं उनके साथ जो लेफ़्ट साइड पे जो सात नीचे जो सुर होगा जो वो होगा सी। अब जो है ये जो सी डी ई एफ जी ए और बी, अब सी का भी नोट होता है सी शार्प, डी का भी नोट है डी शार्प, सी डी, अब जैसे सी डी ई एफ जी ए बी, अब ये बन गए सात सुर। और जो बाकी के पांच बज के, अब सी का जो सी शार्प होगा वो होगा वो जो फर्स्ट ब्लैक होगा, अब डी डी का जो डी शार्प होगा वो होगा सेकंड ब्लैक, ठीक है। आगे जो ई है, ई का शार्प नोट नहीं होता, आगे आ गया एफ, एफ का जो शार्प नोट है वो होगा थर्ड ब्लैक, ठीक है। ऐसे जी का जो सुर है, जी का जो जी शार्प होगा वो होगा फोर्थ ब्लैक। अब ए है, ए का जो शार्प नोट होगा वो होगा फिफ्थ ब्लैक, फिर उसके बाद बी। और आपने एक बार नोट की होगी जो ई और बी हैं इनका शार्प नोट नहीं होता, तो ये जो सारे सुर हैं ये होंगे सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प और फिर बी। तो ये सारे 12 सुर बन जाते हैं वेस्टर्न में। तो अभी हम चलते हैं पियानो की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम जैसे मैंने अभी बात की वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक थ्योरी के हिसाब से जो 12 सुर हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। सो अभी जिस तरह मैंने बात की कि जो 12 सुर हैं उनको अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी के हिसाब से उनकी जो आइडेंटिफिकेशन हैं वो किस तरह से होती हैं, वो सुरों की पहचान किस तरह से जो 12 सुर हैं। जैसे मैंने बोला कि जो 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 पियानो कीबोर्ड हारमोनियम पे जो फर्स्ट जो टू ब्लैक कीज़ हैं उनकी जो लेफ़्ट साइड पे जो 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 पहली की आती है वो है सी, दैट इज़ सी। ये टू ब्लैक कीज़ हैं, अब ये भी टू ब्लैक कीज़ हैं, इधर भी टू ब्लैक कीज़ हैं, टू ब्लैक कीज़ के साथ लेफ़्ट साइड पे जो पहली की होगी वो होगी सी। अब इस सी से लेके इस सी तक एक ऑक्टिव बन जाएगा, ठीक हो गया। ये जो सी होगा ये अगले ऑक्टिव को होता है, लेकिन ये यहीं तक इसका एक ऑक्टिव यहाँ तक पूरा हो जाता है। ये जो ये वाला सी होता है ये अगले ऑक्टिव का होता है। तो ये जो टू ब्लैक कीज़ हैं इसके साथ जो आ गया ये सी आ गया। अब ये सी है, अगर हम जो सात सुरों की बात करें तो पहले होगा सी डी ई एफ जी ए बी। अब जैसे मैंने बात की 1 2 3 4 5 6 7 सी डी ई एफ जी ए बी। अब ये आ गई सेवन कीज़, और अभी आपने देखा कि ये जो 5 बज की 7 और 5 12 कीज़, लेकिन अब इनके नाम क्या हैं। अब ये जो सी है, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई ई का शार्प नहीं होता, एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, फिर आगे बी। आपने एक बार नोट की होगी कि ई और बी का शार्प नोट नहीं होता। जैसा भी आपने देखा कि जो 12 सुर होते हैं वो वेस्टर्न म्यूज़िक थ्योरी के हिसाब से उनका किस तरह से उनके जो नाम हैं वो उनकी डिवीज़न हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा सी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह से मैं बहुत ट्राई करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ।